अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू सबा सोहैब व्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और जी अपने फूड को और अपने घर वालों को नए नए से खाने बनाकर दे रहे होंगे और फूड को भी इंजॉय कर रहे होंगे। तो आज यहाँ पे जी मैं नाश्ता तैयार कर रही हूँ। सुबह का टाइम है, मॉर्निंग है। तो यहाँ पे जी हमने पहले अच्छे से तवे को हमने साफ़ किया। बहुत ज़्यादा ये मतलब इसको ना ख़राब हो गया था, तो फिर मेरे हस्बैंड ने इसको छुरी के साथ अच्छे से रगड़ के इसको साफ़ किया है ताकि जी एक्स्ट्रा जो है इसमें से जो वो एक पर्द सी नहीं जम जाती, अगर ऑयल वगैरह जल के ना, तो फिर वो बड़ा ख़राब सा हो गया था। तो फिर हमने क्या किया, इसको बहुत अच्छे से साफ़ कर लिया ताकि जी तवा जो है हमारा बिल्कुल अच्छे से काम करना स्टार्ट कर दे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑयल ये खाना स्टार्ट हो गया था। तो फिर हमने इसको अच्छे से साफ़ किया ताकि जी जो रोटियां भी ना जलें और अच्छे से तवा भी साफ़ हो जाए और अच्छे से रोटियां भी बनना स्टार्ट हो जाए। तो यहाँ पे जी मैंने पराठे तैयार कर लिए थे, स्क्वायर पराठे बनाए, बहुत ही मज़े के बनते हैं। मैंने बहुत बार आपसे इसकी रेसिपी शेयर की है कि इसको मैं कैसे बनाती हूँ। तो आप लोगों ने अगर देखनी हो तो मेरे पुराने जो व्लॉग्स हैं उनको देखिए, जो कि है जी सबा सोहैब व्लॉग्स के नेम से। तो आपने कोई भी मेरी रेसिपी या कोई भी ऐसी चीज़ जो मैंने पहले अपलोड की हुई हो तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो साथ में जी ये पोटा कलेजियाँ थी जो मैंने लास्ट टाइम बनाई थी, तो उसी को हमने अच्छे से गर्म कर लिया था। साथ में दही बूंदी थी जो मैंने कल अम्मी के आने पे बनाई थी, तो वो भी थोड़ी सी लेफ्ट ओवर पड़ी थी, तो वो भी साथ में फ्रेंच टोस्ट थे और जी थोड़े से सैंडविच बनाए थे। और इन सैंडविचेस की भी मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगी बहुत जल्द, तो आप इन सैंडविचेस को भी देखिएगा, बहुत ही मज़े के बने थे। तो यहाँ पे जी सबीहा क्या है जी अपने बाबा को दबा रही है, तो मैं टांगे प्रेस करी तो उसने सेम टू सेम मुझे टिकटॉक कॉपी किया और कॉपी करके वैसे ही दबाना स्टार्ट कर दिया। बहुत अच्छे से दबा रही थी, तो बड़ा एंजॉय कर रहे थे, मैं भी एंजॉय कर रही थी, मेरे हस्बैंड भी एंजॉय कर रहे थे। बहुत ही अच्छे से ये दबाने की कोशिश कर रही थी कि कैसे जी मैं दबाऊं। तो यहाँ पे जी आ गया है दोपहर का टाइम, तो मैं दोपहर में खाना बना रही हूँ। टींडियाँ थी और साथ में आलू थे। तो यहाँ पर जी मेरे पास टमाटर बहुत जी ख़त्म हो चुके हुए थे, तो फिर मैंने उसकी जगह पर जुगाड़ किया, मेरे पास दही पड़ा था। तो फिर मैंने आज सोचा कि मैं दही के साथ ही तो ग्रेवी बनाने की कोशिश करूँगी, देखते हैं कि कैसी बनती है। तो जी फिर मैंने इसको बनाया, बहुत ही अच्छी बनी थी। टींडियाँ और आलू बहुत अच्छे मज़े के बन गए थे। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले ले लिया जी प्याज नहीं लिया थी, क्या मुझसे गड़बड़ शड़बड़ सी आवाज़ें निकल रही हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या ले लिया था, प्याज ले लिया था और साथ में जी लहसुन ले लिया था। ऑयल डाल के उसको अच्छे से गर्म किया और प्याज और लहसुन को मैं आप करूँगी सोते ताकि अच्छे से ये थोड़ा सा कलर इसका चेंज हो जाए। तो यहाँ पे मैंने हाफ कप के करीब ली थी दही, तो उसमें मैंने ले लिया था रेड चिली पाउडर, साथ में मैंने हल्दी ले ली। रेड चिली पाउडर 1 चम्मच थी और जो हल्दी है वो हाफ टी स्पून यानी टीस्पून के करीब थी, 1 टीस्पून के करीब। और नमक था जो था वो भी तकरीबन हाफ टी स्पून और एक टेबल स्पून ही लगा ले, लेवल्ड 1 टेबल स्पून था, ठीक है। साथ में ज़ीरा था, वो भी मैंने तकरीबन 1 टीस्पून लिया और साथ में सूखा धनिया था, वो भी 1 टेबल स्पून था और चिकन पाउडर था 1 टीस्पून के करीब। और इन तमाम मसालों के साथ मैंने लास्ट में डाल दिए थे जी इसमें ये जो होते हैं कलौंजी के दाने, बहुत ही अच्छे लगते हैं। आप टींडियाँ वगैरह या कोई भी आप भुनी हुई सब्ज़ी बनाते हैं तो उसमें अगर आप कलौंजी ऐड करें तो बहुत ही अच्छी लगती है, उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, अरोमा बहुत अच्छा आता है। और दही के साथ इसका जो फ्लेवर है वो कुछ ज़्यादा ही उठ के आता है, जैसे कि एक अचारी फ्लेवर हो जाता है तो वैसे हो जाता है। तो फिर ये मैंने टींडियों में ये शामिल की थी, बहुत ही मज़े की लगती हैं। और जी ये जो कलौंजी के दाने हैं आपको पता है इसमें हर चीज़ के लिए मतलब इंसान के लिए ना ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है और इसमें बहुत ज़्यादा शिफा है सिवाय मौत के। तो इसमें यानी कि बहुत सी बीमारियों के हल के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो यहाँ पे फिर जब मेरे प्याज और लहसुन जो है अच्छे से जब सोते हो गए थे तो फिर मैंने इसमें डाल दी थी टींडियाँ और आलू। इसको मैं पहले अच्छे से कर लूँगी, फ्राई कर लूँगी ताकि जी हमारी टींडियाँ और आलू थोड़े से अच्छे से एक तो गल भी बहुत अच्छे जाते हैं है ऊपर थोड़ी सी इसके ऊपर स्किन जो होती है ना थोड़ी सी जब फ्राई हो जाती है तो वो बहुत ही अच्छी बन जाती है और आपकी जो सब्ज़ी है उसमें जान भी आ जाती है और वो मज़े की भी बहुत ज़्यादा बनती है। तो यहाँ पे फिर जो मैंने मिक्सचर रेडी किया था दही का वो मैंने ऐड कर दिया था। अगेन बता देती हूँ, उसमें मैंने लाल मिर्च डाली थी और जी सूखा धनिया डाला था, हल्दी डाली थी, नमक डाला था और साथ में ज़ीरा डाला था और साथ में जी कलौंजी के दाने डाले थे तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब। तो फिर मैंने इसको अच्छे से भून के फिर इसको मैंने लीड लगा के रख दिया था दम पे ताकि जी हमारी सब्ज़ी अच्छे से गल जाए। तो यहाँ पे जी फिर तकरीबन 5 से 6 मिनट के बाद मैंने इसको चेक किया तो हमारे आलू भी अच्छे से गल गए थे और जो टीनियाँ भी थी वो भी अच्छे से गल गई थी। तो फिर मैंने इसको भूनना स्टार्ट कर दिया ताकि जी हमारा जो है सालन वो अच्छे से रेडी हो जाए। ऑयल भी उसने सेपरेट कर दिया था, धनिया डाल के मैंने इसको कर दिया था बंद। अब इसको हम जी रात को खाएंगे अपने डिनर में। तो आपको जैसे कि पहले मैंने बताया कि दोपहर में हम ज़रा काम ही खाना शाना करते हैं तो इधर उधर की चीज़ें या स्नैक्स वगैरह होते हैं तो वो हम खा पी लेते हैं। तो यहाँ पे जी हमारे घर आइसक्रीम आई थी, ये थी चॉकलेट चिप गौरमे की आइसक्रीम, बहुत ही मज़े की थी। साथ साथ जी सबिया करती मुझे भी खिलाया तो मैं हल्का फुल्का उसके भी मुँह में ना बस एक टेस्ट के हिसाब से दे रही थी, ज़्यादा नहीं दे सकते क्योंकि आपको पता है बच्ची है एक तो, और गला भी बड़ी जल्दी ख़राब हो जाता है। इससे पहले हमने फ्राई नान खाए थे दोपहर में तो फिर उसकी मैंने वीडियो नहीं बनाई। तो फिर मैंने कहा चले जी अब जो मौजूद है उसकी वीडियो बना लेती हूँ। साथ में जी मैंने बनाई थी सबिया के लिए खिचड़ी। सबिया के लिए खिचड़ी के लिए मैंने लिए थे दो टेबल स्पून यहाँ पे ले ली थी गाजरें, 1 टेबल स्पून के करीब हमने ली थी शिमला मिर्च, 1.5 टेबल स्पून के करीब थी हमारे पास चिकन उबली हुई थी और मैंने इसको फ्रीज़ कर दिया हुआ था। सबिया के लिए मैंने ना चिकन मंगवा के तो उसको मैंने उबाल के अच्छे से फ्रीज़ कर दिया हुआ है चॉप करके श्रेड करके। तो साथ में मटर ले लिए थे 1.5 टेबल स्पून और 1 टेबल स्पून के करीब हमने यहाँ पे ले लिए थे कॉर्न। तो यहाँ पे 1.5 टेबल स्पून के करीब हमारे पास थी जी प्याज, उसमें मैंने 1 टेबल स्पून के करीब डाल दिया देसी घी। अब इसको मैं करूँगी अच्छे से फ्राई करके। तो फिर जब अच्छे से ये फ्राई हो जाएगा बस हल्का सा कलर चेंज करना है, हमने इसको ब्राउन नहीं करना। तो फिर इसमें मैं सारी सब्जियां शामिल कर दूँगी जो मेरे पास मौजूद है विद चिकन। तो सब्जियों में मेरे पास अगेन मैं बता देती हूँ कॉर्न है, मेरे पास मटर है और शिमला मिर्च है और जी गाजर है और जी चिकन है। तो ये सारी चीज़ें मैं डाल के इसको कर लूँगी थोड़ी सी फ्राई ताकि जो चिकन है उसका भी थोड़ा सा जो स्मेल वगैरह वो भी ख़त्म हो जाए और सब्जियां भी थोड़ी सी अच्छे से फ्राई हो जाए और फ्राई होने से इसका भी जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। फिर इसमें डाल दूँगी पानी। आपको पता है खिचड़ी में काउंट करके पानी तो नहीं डालते, तो इसको हमने पता करके ज़रा बनाना होता है। तो फिर आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा आपके पास कितने चावल हैं तो आपने कितना पानी डालना है। तो यहाँ पर तकरीबन मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा 1 मुट्ठी के करीब चावल होंगे। तो फिर मैंने इसमें 1 कप पानी डाल दिया था, तकरीबन ये 1 लीटर के करीब पानी होगा। तो इस पानी में मैंने डाल दिया नमक तकरीबन 1 टीस्पून के करीब और साथ में जो काली मिर्च है वो मैंने तकरीबन इसमें थोड़ी सी बस स्प्रिंकल ही की है ताकि जी थोड़ा सा टेस्ट डिवेलप हो जाए। तो यहाँ पे मैं इसको कर दूँगी अच्छे से मिक्स करने के बाद जब उबाल आना स्टार्ट हुआ तो फिर मैंने इसमें डाल दिया चावल डाल के फिर मैं इसको लीड लगा के रख दूँगी ताकि जी ये अच्छे से पकती रहे। हल्की सी आंच पे मैंने छोड़ दी थी ताकि अच्छे से पक जाए। तो पक के ये बहुत अच्छी सी तैयार हो गई थी। तो फिर मैंने इसको हाथ से ही अच्छे से ना मैश वगैरह कर लिया था ताकि जी इसमें जो मोटे मोटे दाने हैं उसके चिकन के और जी मटर के वो अच्छे से पिस जाएं। और गाजरें तो वैसे ही आराम से पिस गई थी लेकिन कॉर्न ऐसी चीज़ है कि वो पिसती नहीं है, तो उसको ज़रा आप चॉपर में डाले तो फिर ही पिसती है। लेकिन फिर मैंने उसको सेपरेट मैंने कहा इसका चलो टेस्ट तो अंदर चला गया हुआ है ना, तो कॉर्न में बहुत ज़्यादा फाइबर होता है तो मैं इसलिए ये ज़रूर डालती हूँ इसके खाने में ताकि ना इसको अच्छे से ये फाइबर मिले और इसकी कॉन्स्टिपेशन अच्छे से हो जाए और इसको कॉन्स्टिपेशन का मसला ज़रा कम हो जाए। तो यहाँ पे जो मैंने क्यूब्स मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताए थे कि मैंने ये तैयार की थी धनिया पुदीना हरी मिर्च और दही और ज़ीरा डाल के मैंने क्यूब्स बना लिए थे ताकि रायते वगैरह में रमज़ान में भी बहुत ज़्यादा काम आती हैं। और ये वैसे भी आप कभी भी कोई मेहमान वगैरह आ जाते तो फुल आराम से ये बनी होती हैं तो जल्दी से हम निकालते हैं फ्रिज से और निकाल के तो जी डिफ्रोज़ करें और जी आपका रायता और दही बूंदी या कोई भी चीज़ है वो आराम से तैयार हो जाती है। अब आप देख सकते हैं, मैं आपको यहाँ पे कलर दिखाना चाह रही हूँ इसका, कि इसका कलर बिल्कुल ब्राइट ग्रीन है। तो वो किस वजह से हुआ, क्योंकि मैंने इसमें दही ऐड किया था। तो अगर आप लोगों ने मेरी ये रेसिपी देखनी हो तो मेरे लास्ट व्लॉग में जाइएगा, वहाँ पे ज़रूर देखिएगा मैंने इसकी रेसिपी में क्या क्या चीज़ें डाली हैं। तो ये बहुत ही अच्छे सा मज़े का आपकी चटनी रेडी हो जाएगी, रेडी टू ईट। तो आपने जब भी इसको रायते वगैरह को बनाना है तो इसको जी दही में डालें और थोड़ा सा नमक डालें और इसको जी फेंट के दही को, तो आपका जी रायता तैयार हो जाएगा। बहुत ही मज़े की ये चटनी बनती है और वैसे भी बहुत काम आती है। ऐसे रमज़ान वगैरह में आपको पता है इबादत वगैरह करनी होती है तो हमारे पास टाइम ज़रा कम होता है, तो फिर ऐसी सूरत हाल में मैं ऐसी चीज़ों को ना पहले से हम रेडी कर लेते हैं। मैं और भी कोशिश करूँगी आपके साथ रेसिपीज़ शेयर करूँ कि जो रमज़ान के मुताबिक आप पहले से बना कर रख दें ताकि आपके पास मौजूद हो और आप आराम से सुकून के साथ तो रमज़ानों में आप ये काम पहले से किया हो। तो यहाँ पे मैंने फिर इसको दोबारा से फ्रिज में रख देना है और इसको कर देना है फ्रीज़ ताकि आगे हमारे पास काम आए। तो यहाँ पे जी हमारा डिनर रेडी हो गया है। मैंने रोटियाँ भी बना ली थी, साथ में मैंने टिंडियाँ और आलू भी सर्व कर दिए थे, साथ में थोड़ा सा रायता तैयार कर लिया था। बहुत ही मज़े की ये जी हमारा सालन रेडी हो गया था। साथ में मैंने जो रोटियां थी उनको जी घी लगा लिया था, देसी घी लगा लिया था। आई होप सो कि मेरा ये व्लॉग आपको पसंद आएगा। आप इसको लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। और आप लोग हमें अपनी दुआओं में याद रखेंगे ताकि मैं आपके साथ नई से नई रेसिपीज़ शेयर करूँ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।